बर्थ कंट्रोल पिल्स चेक ओव्यूलेशन इन फीमेल बाय इनहिबिटिंग द सिक्रीशन ऑफ। अभी हमने यहाँ पर एक प्रोसीजर की बात करी थी, वो देखते हैं हम, वो प्रोसीजर हम यहाँ पे पिक कर लेंगे, प्रोसेस पिक कर लेंगे। इसको किया हमने यहाँ पर लॉक, कॉपी, ठीक है। और इसको हम ले चलते हैं हमारे काम की स्लाइड में, यहाँ पे हम इसको इंपोर्ट कर दें। ठीक है, तो आप देख लीजिए पिल्स के अंदर ये हॉर्मोन्स होते हैं, और पिल्स की जो ये हमने हॉर्मोन्स है ये क्या करते हैं, एंटीरियर पिट्यूटरी से FSH और LH के प्रोडक्शन क्या करते हैं, नेगेटिव फीडबैक देते हैं, जिसकी वजह से ओव्यूलेशन भी प्रिवेंट होगा और इम्प्लांटेशन भी प्रिवेंट होगा। तो बेसिकली यहाँ पे आप देख लीजिए कि बर्थ कंट्रोल पिल्स जो है वो ओव्यूलेशन को चेक करती है इन फीमेल बाय इनहिबिटिंग द सिक्रीशन ऑफ, ठीक है। लेकिन अब यहाँ पर किसकी बात कर रहा है, ओव्यूलेशन के इनहिबिशन की। जो ओव्यूलेशन है, ओव्यूलेशन को प्रिवेंशन की यहाँ पे बात करी गई है, तो ओव्यूलेशन को हम प्रिवेंट करवाना चाह रहे हैं, तो पिल्स में कौन, पिल्स जो है वो ये दोनों हार्मोन इससे प्रेजेंट होंगे। तो FSH LH को नेगेटिव फीडबैक दे रही है, तो FSH LH दोनों के नेगेटिव फीडबैक से ओव्यूलेशन प्रिवेंट होगा, क्योंकि FSH तो फॉलिकुलर डेवलपमेंट के लिए जरूरी है। जो फॉलिकल डेवलप ही नहीं करेगा, मेच्योर फॉलिकल ही नहीं बनेगा, तो ओव्यूलेशन नहीं होगा। फिर आप कहेंगे LH का क्या रोल है, तो जो मेच्योर फॉलिकल है ग्राफिन फॉलिकल उसको बर्स्ट करवा के जो ओव्यूलेशन करवाता है वो तो LH ही है, ठीक है। तो बेसिकली दोनों हार्मोन आएंगे यहाँ पर, सॉरी दोनों हार्मोन यहाँ पर आ जाएंगे, LH भी आएगा और LH भी आएगा, दैट मीन्स हमारा सी ऑप्शन टीचर्स यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, बोथ ए एंड बी आंसर आ जाएगा, टेस्टोस्टेरोन विल बी आर रॉन्ग ऑप्शन, ठीक है। तो बोथ ए एंड बी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, यही यहाँ पे हमने मैकेनिज्म ऑफ एक्शन देख लिया है कि हार्मोनल पिल्स जो है या जो हार्मोन है पिल्स के अंदर वो कैसे अपनी मैकेनिज्म शो करते हैं। तो क्वेश्चन कैटेगरी कैसे कर देते हैं हम, क्वेश्चन कैटेगरी कर देते हैं मीडियम कैटेगरी,